कृष्ण एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा, राधे राधे। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और मैं आई हूँ टेरिस पर ये कपड़े लेने के लिए। साथ में मेरे किसु भाई साहब भी आए। आज तो मैंने चाय पी और बस मैं फटाफट से ऊपर आ गई, क्योंकि कल भी मुझे भागम भाग करनी पड़ी, इसलिए मैंने सोचा बारिश मुझे भागम भाग कराए उससे पहले ही मैं कपड़े लेकर आ जाती हूँ। और सुबह से मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इवनिंग से स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अब लेती हूँ फटाफट से कपड़े और चलते हैं नीचे, क्योंकि हम लोग आज कुछ स्पेशल बना रहे हैं। वैसे तो स्पेशल नहीं है क्योंकि ये डिश हमने काफ़ी बार बना दी है, लेकिन अगर हम लोग काफ़ी दिनों बाद में बनाए तो वो डिश स्पेशली मानी जाती है कि आज क्या स्पेशल बन रहा है। तो आज स्पेशल बन रहा है बटाका बड़ा। तो बटाका बड़ा बनाने के लिए बटाके चाहिए, तो वो तो हमने बॉईल कर ही लिए थे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे मसाला रेडी बड़ा बनाने के लिए। तो बस आलू को मैश किया और उसके बाद भी इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, काला नमक, नमक, और उसके बाद में हमने हरी मिर्च, अदरक, धनिया और पुदीना इसकी पेस्ट बना ली थी, वो भी ऐड कर दी। और बटाका बड़ा हमेशा खट्टे मीठे होते हैं, तो इसमें हमने पीसी हुई शक्कर और नींबू भी ऐड कर दिया और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया है साइड में, क्योंकि हम लोग बेसन का घोल रेडी करेंगे, क्योंकि बटाका बड़ा बेसन के घोल के बगैर बन ही नहीं सकते। तो बस बेसन लिया, हल्दी डाली अंदर, थोड़ा सा अजवाइन, नमक और पानी डाल के बेसन का जो घोल है वो भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। तो बस दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं, बेसन का घोल और जो आलू का मसाला है वो। तो ये आलू के जो मसाला था उससे हम गोल गोल बड़े बनाएंगे, और जो बेसन का घोल हमने रेडी किया उसमें ये बड़ों को डुबो डुबो कर गैस पे हमने चढ़ा दिया है पैन, पैन में डाला है तेल, तो तेल गर्म हो चुका है। तो इन बड़ों को बेसन में डुबो कर उस गरम तेल में हम कर लेंगे फ्राई। और जब बेसन का घोल बन के रेडी हुआ तो इसमें हमने थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया, इससे क्या बड़े हमारे फूले फूले से बनेंगे। तो बस बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सीज़न के फर्स्ट हमारे बटाका बड़ा बन के हो रहे हैं रेडी। अब तो बारिश के सीज़न में हमारे यहाँ पे बटाका बड़ा बनते ही रहेंगे, क्योंकि घर में सबको ही पसंद आते हैं इसलिए। तो ये फर्स्ट बार के बटाका बड़ा यहाँ पे हो चुके हैं फ्राई। तो फिलहाल हमारे बटाके बड़े पूरे बन के हो चुके हैं रेडी, और साथ में मासी ने ब्रेड का भी उपयोग कर लिया। कल हमने सैंडविच बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी ब्रेड बच गई, तो मासी ने ब्रेड पकोड़े भी बना दिए। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा करके खाना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट का ही पता नहीं चलेगा। मासी बाय भाईसा, भाईसा ट्यूशन जा रहे हैं अभी। और मैंने भी बटाका वड़ा और ब्रेड पकोड़े खा लिए, बहुत ही टेस्टी बने। अब प्लेट को रख देती हूँ यहाँ पे, और ये सारा किचन का बिखेरा इसको अब निवेड़ना है। और मम्मी ये तुम्बा काट के गए, तो इसकी सब्जी बनानी है। कुछ भी बनाते हैं तो किचन पूरा फैल जाता है। इसमें थोड़ा सा आटा लगा लूँगी परात में, पीसी हुई शक्कर जाएगी स्टोर रूम में। ये रहा शक्कर का डब्बा, ये हम लोग डीमार्ट से लेकर आए थे 99 का, कहीं सफ़र में जाए तो यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी तक ये पैक ही है, इसे यूज़ किया ही नहीं। पानी भर गया। तो फिलहाल जो किचन फैला हुआ था उसे सही कर दिया, और यहाँ पे अब सब्जी भी बनने के लिए रख दी, एंड आटा भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जो बर्तन थे वो सारे मैंने निकाल लिए धोने के लिए वहाँ। और यहाँ पे हमारे मासी जी निकाल रहे हैं झाड़ू, क्योंकि अभी दियाबती का टाइम हुआ नहीं, उससे पहले मासी ने सोचा चलो झाड़ू निकाल देती हूँ, कचरा तो हो ही जाता है ना मासी। तो अब मैं मेरा ये जो मिशन है इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो फिलहाल बर्तन धोने का जो वर्क है वो मेरा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो बस अब नेक्स्ट वर्क मेरा है इन कपड़ों का, ये जो कपड़ों का ढेर है वो मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मुझे फोल्ड करें और आयरन करें। अब खाना तो मुझे खाना नहीं है, क्योंकि मेरा हो चुका है नाश्ता हो गया मेरा, इसलिए अब मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो लग जाती हूँ इस वर्क पर। पहले 5 मिनट थोड़ी दूर यहाँ बाहर हवा खा लेती हूँ, बारिश तो आज आई नहीं। तो यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, और बनाने वाले हैं हमारे मासी जी, क्योंकि मुझे पता है रोटी कोई खाने वाला है नहीं, तो पराठे बनाते रहेंगे, इसलिए सुबह में भी काम आ जाएंगे, सुबह काम आ जाएंगे, किसी को खाने होंगे तो काम सब्जी तो है। राइट, सही डिसीजन मासी। तो बना लगे हुए हैं अपना स्कूल का होमवर्क कम्प्लीट करने में, टेस्ट भी आने वाले ना यूवी, वो कब है? 1 तारीख से ही।
किसु इधर घुसी हुई है गेम में, और हमारे ये भाई साहब रूम में कर रहे हैं पढ़ाई। यूवी और सृष्टि दोनों साथ में इसलिए अच्छा है। और मासी अपना रूटीन फॉलो करेगी अभी, नाइट ड्रेस देखते शावर लेने जाएगी अब। तो फिलहाल सभी अपने अपने काम में बिजी है, मैं तो फ्री हो चुकी हूँ मेरे सारे काम से। मम्मी पापा नीचे बैठे हैं तो मैं यूवी के पास बैठ गई। अब इसको कह रही हूँ तू सृष्टि के पास चला जा पढ़ाई करने के लिए, मैं थोड़ी दूर टीवी देख लेती हूँ, क्योंकि किसु के पापा अभी स्टॉप से आए नहीं है तो उनके खाना खाना बाकी है, तो बस मैं वो वेट कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी दूर टीवी देख लेती हूँ, और आज हमारा काम भी जल्दी फ्री हो गया। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं टीवी में भी क्या देखूँ, क्यों मैं रोज़ देखती नहीं हूँ, इसलिए बिग बॉस तो मुझे फ़ोन में देखना ही अच्छा लगता है। हमारा खुद का ही ब्लॉग लगा लेती हूँ टीवी में। तो फाइनली मैंने आज ही का ब्लॉग लगा दिया, थोड़ी दूर अभी से ही देख लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारे बाईसा का जो गेम था फ्री फायर वो होता है पूरा, और इसी के साथ में हमारे ब्लॉग को भी एंड करते हैं। किसु मिलते हैं नेक्स्ट। अब किसु को नींद आ रही है, गेम पूरा इसलिए किसु को नींद आने लग गई।